गुड मॉर्निंग ऑल, खमागनी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, और मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। तो अभी बज रहे सुबह के 9:30 और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। आजकल पिछले कुछ टाइम से मैं सुबह जल्दी नहाने की कोशिश करती हूँ, मेरा ये रहता है सब उठते कि हाँ मेरे को नहाना है, तो मैं आज जल्दी नहा लेती हूँ। अभी 9:30 हो गए, ज्यादा जल्दी नहीं है, बट वैसे जल्दी क्योंकि हम लोग 1:30-2 बजे तक नहाते थे पहले, तो उस हिसाब से तो मेरे लिए बहुत जल्दी हो गए। और अभी ऊपर के बस सब ठीक किया है, रूम सही किया है, अब चलेंगे नीचे। मैंने सोचा पीछे कौन खड़ा है, खुद को देख के ऐसे लगा अचानक से। और आज संडे तो पापा जी भी घर पे है, बाबू भी घर पे है, तो कुछ खास तो नहीं होगा, बट जो कुछ भी होगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी पूरा दिन का, थोड़ा थोड़ा जो भी अच्छी अच्छी चीजें होगी वो रिकॉर्ड करके। एंड नीचे चलते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो नहा दो कि फ्री हुई, इसके बाद में नीचे आई और अभी बन रहे हमारे गरम गरम पोहे। सर्दी में बहुत मन करता है कि सुबह कुछ गरम गरम खाने को मिल जाए, तो बस दूध और पोहे लूंगी। और आज संडे भी था, इस वजह से सुबह ब्रेकफास्ट मिल गया, वरना तो हमारे तो सुबह सुबह खाना ही बनता है सब क्योंकि सब लोग जाते हैं काम पे, कोई स्कूल जाता है, कोई कहीं, तो इस चक्कर में खाना ही बनता है सुबह जल्दी। और ये बना दी ना भाई सामने। और अभी बज गए शायद 1 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और ये देखो अभी तक किचन क्लीन नहीं हुआ है, किचन का काम चल रहा है। क्योंकि बीच में ना मैं पहले रोटी बनाने लगी थी, फिर दुर्गा को रखने लगी थी, उस चक्कर में मैं हो गई हूँ लेट, तो फटाफट से किचन से फ्री होते हैं। सोएगी दुर्गा? दुर्गा सोएगी? कैसे सोती है दुर्गा? आईज क्लोज करके बताओ कैसे करते हो, आईज क्लोज कैसे करते हो? यहाँ पे छोएगा दुर्गा तो यहाँ पे छोएगा, भी रजाई ओढ़ के। ओढ़ो नहीं, ओढ़ो नहीं। सो मॉर्निंग में किचन से फ्री होके मैं दुर्गा को सुलाने लग गई थी, बट दुर्गा तो सोई नहीं, तो उसके बाद में मैं खुद सो गई थी। दुर्गा तो उठ के चले गई थी बाहर, पूरा दिन बाहर खेली थी। उसके बाद में मैं शायद 4 बजे से थोड़ा बहुत पहले उठी थी, और उठने के बाद में चाय पानी बनाया था, और कोई भाभी सा और आ गए थे उनके पास, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी सी बातें बातें करी थी, और फिर चाय पानी का फ्री हो गए हैं, और अब मैं लग गई हूँ वापस से किचन में। अच्छा देखो कि अब सब लोगों को लगेगा कि मैं हमेशा किचन का ही दिखाती हूँ, बट मेरा काम ज़्यादातर किचन का ही होता है, बाकी जो चीज़ें होती है वो मैं कहीं ना कहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो किचन का ये होता है मेरा कि हाँ ठीक है, मैं फ़ोन को रख देती हूँ, उसके बाद में रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और किचन का काम तो हर औरत को रहता है घर में, अगर आप रहते हो तो, और अगर फैमिली के साथ में रहते हो तो आपका किचन का काम थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, बाकी आप अकेले भी रहते हो तो भी किचन का काम तो हमारा रहता ही रहता है, कुछ और चाहे करे ना करे, बट किचन का फिक्स होता है। उसके बाद में पापा जी लाए थे गाजर, तो सब्जियाँ पहले से बहुत सारी रखी हुई थी, तो हमने सोचा कि इसका नंबर नहीं आएगा तो क्यों ना इसका हलवा बना लेते हैं। तो अभी शाम हो रही है, वैसे लेट हो रही हूँ खाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं, क्योंकि शायद हो जाएगा कैसे भी कर करा के। तो मैं इनको पहले अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके रख रही हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में बनाऊँगी गर्म गर्म अच्छा सा हलवा। मैं जब भी कोई चीज़ बनाने की सोचती हूँ तो मेरा यही रहता है कि मैं बहुत अच्छे से बनाऊँ, बहुत मतलब टेस्ट में काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि मेहनत बेकार नहीं जाए। एंड अच्छे से गाजर को, सारी गाजर मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, उसके बाद में मैं यहाँ पे कसने के लिए बैठ गई, क्योंकि जब भी गाजर का हलवा बनाते हैं तो पहले उसको पूरी गाजर को अच्छे से कसना पड़ता है, तो बस यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ। सारी गाजर मैंने पीस ली है,
पूरा भर गया ये। मैं चढ़ाती हूँ कढ़ाई जल्दी से, क्योंकि साथ में खाना भी बनाना है तो लेट हो रहे हैं। और तो अभी सारा काम हो चुका है, गाजर का धोने का, कसने का, वो सब। अब बस इसको बनाना है, हलवा बनने के लिए गाजर तैयारी हमारी। तो क्या होता है कि शाम को जब चाय बनाने के बाद में दूध में हम लोग जावन देते हैं, उस टाइम मैं भूल गई थी कि हमें गाजर का हलवा बनाना है, तो उसके लिए मैंने दूध नहीं रखा था। मतलब हम थोड़ा सा दूध रखते हैं, बट मैंने गाजर के हलवे के हिसाब से नहीं रखा था, तो मैंने उसमें जावन दे दिया था, इसलिए फिर मैंने बाद में थोड़ा सा इनसे दूध मंगाया था। तो ना तो सुबह का टाइम था ना शाम का टाइम था, तो किसी के घर पर तो मिलने से रहा, इसीलिए फिर हमें थोड़ा सा थैली वाला दूध लाना पड़ा। तो थोड़ा शायद आधी किलो लेके आए थे, उसके अलावा थोड़ा बहुत जो मैंने रखा था वो मैं इसमें मिक्स करके और बनाने वाली हूँ हलवा। तो हलवा मैंने बनने के लिए चढ़ा दिया उस पर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो क्यों ना मैं इधर दूसरी साइड अपना जो खाना बनाने का काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है ऑलरेडी। तो पहले बीच बीच में दुर्गा भी मैं डिस्टर्ब कर रही थी, इस वजह से थोड़ा और ही ज़्यादा लेट हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़े जो बर्तन रह गए थे, इधर उधर हो जाते हैं थोड़े बहुत, जब भी अपन कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो लग जाते हैं हाथ इधर उधर, तो वो मैं क्लीन कर रही हूँ। एंड क्लीन करने के बाद में खाने की तैयारी करने वाली हूँ। तो उधर दूसरी साइड ना हमारा पूरा खाना बन चुका था, सबका खाना बन गया, सबने खा लिया, तब जाके ये पूरा हलवा जो है तैयार हुआ। मैंने फिर इसमें थोड़ा सा घी ऐड करके थोड़ा सा पकाया था, उसके बाद में मैं अब यहाँ पे इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। पता नहीं खाने में कैसा बनेगा, मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, तो देखेंगे, टेस्ट कराएंगे, बाद में पूछेंगे और आपके साथ में शेयर भी करूँगी कि कैसा बना है ये सच में। तो हलवा बनकर तैयार हो गया। सबसे पहले मैं लेके जा रही हूँ यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, छोटी सी कटोरी में डाल के लेके जा रही हूँ। वैसे उनके बर्तन अलग है, लेकिन वो वहाँ मंदिर में रह जाते, तो मैं वहाँ लेने के लिए नहीं गई, जो किचन में था उसी में मैं डाल के लेके आई हूँ। तो सबसे पहले लगा देते हैं हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी को भोग। तो यहाँ पर बस मैं इनको जिमाने के लिए आ गई हूँ, और उसके बाद में टेस्ट कराएंगे बाकी सब लोगों को, घर में जो भी मेम्बर है उनको। खाने में अच्छा हो जाए तो मेरी मेहनत बेकार नहीं जाए। कब से लगी हूँ, कितना डालू मेरे को बता देना। फिर वो लोग इनको जान दे दिया, टेस्ट करके बताना भगवान। मेरे लिए छोड़ देना, तो ऐसे नहीं कि ठीक है आप खा लेना इसमें से। अरे ऐसे नहीं कि आप इतनी देर से मेहनत कर रहे हो, तो लो आ जाओ आप भी। गर्म तो भी तो मीठा हो गया। बना कैसे? बढ़िया है। झूठे? हाँ, बस थोड़ा पतला किया है यार। पता नहीं पतला कैसे हो गया, ये शायद ठंडा होगा तब हो जाएगा ना। खा के सही बताओ ना, सही बनाएंगे है? सही है, खा के मस्त एकदम, मजा आ गया। बाकी सबको भी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर मैं खाना खाऊंगी, मेरे को भूख लग रही है बहुत। जबरदस्ती शूट कर रही हूँ, टेस्ट तो कर ही रहे थे। सही बना, बना तो अच्छा है, बस थोड़ा सा और पका रही हूँ, पक जाए। सो खाना वाना बनाया, फिर गाजर का हलवा बनाया था, फिर इन्होंने उसी टाइम रेस्ट कर लिया। और खाना वाना खाने के बाद मैं ऊपर आई हूँ और अपना हलवा ऊपर ही लेके आई हूँ। गरम गरम था, इतना मन कर रहा था खाने का, लेकिन दूर वाना कोई नहीं थी, सकनी मेरा ये ठंडा हो गया, अब खा रही हूँ मैं इधर बैठी है। अच्छा बना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, एकदम कड़ाकन जैसा। ये सर्दी का पहला हलवा है गाजर का।